बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक और वीडियो लेकर आपके पास हाज़िर हुए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि महकमा तालीम ने अपनी बहुत सारी दर्जा जहरम की भर्तियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने माली, नायब कासद, लैब अटेंडेंट, चौकीदार वगैरह बहुत सारी वैकेंसियों का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने तालीमी काबिलियत मिडल तक मैट्रिक रखी है। इसी वीडियो में हम आपको मुकम्मल तौर पर भर्ती के बारे में आगाह करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इसका अप्लाई कब करना है और कौन सी डेट इसकी लास्ट है। तो बग़ैर ताखीर की ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने वेबसाइट पे आ जाना है और वेबसाइट पे जैसे ही आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज का लिखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम तो उसे स्क्रू डाउन करते हैं तो पता चल जाता है कि पंजाब जॉब्स 2021 हाउ टू अप्लाई, और इसमें उन्होंने टोटली बताया हुआ कि ये कब और कौन सी डेट को 28 तारीख को ये डेली मशरक़ न्यूज़ में शाया हुई थी, और उसके बाद डेली मशरक़ न्यूज़ में इसका न्यूज़पेपर आया था और 5 अक्टूबर 2021 यानी कि इसको यानी कि अपडेट किया गया वैकेंसी को, और 19 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, इसमें मल्टीपल वैकेंसीज़ हैं, पूरे पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है, मैट्रिक इलिटरेट अनपढ़ भी है फिर भी इसमें अप्लाई कर सकता है, मिडिल बेसिस पे अप्लाई हो सकता है। तो नीचे इसका सारा लिखा हुआ है कि लैब अटेंडेंट, नैब कासिस, सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार, बलवाई, वाटरमैन, माली और खाकरोब, ये सारे बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे उन्होंने ये बताया कि इसमें अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है। एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आपने 2 अदद रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, अपने डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड की कापी जो कि ये एड्रेस है इस पर आपने अरसाल कर देनी है। उसके बाद इनका फर्दर प्रोसीजर है जिसमें इंटरव्यू वगैरह हैं, वो गाइज आप पढ़ लीजिएगा, इनमें TADA वो कहते हैं हम नहीं दे रहे। नीचे इसकी एडवर्टीज़मेंट है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। इसमें वो सब कुछ बता रहा है कि लैब अटेंडेंट, नैब का सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार, बलवाई, वाटरमैन, माली, खाकरोब और कुल 108 असामियाँ खाली हैं। इनमें वो कोटे भी बता रहा है कि ख़वातीन का कोटा कितना है, मजदूर कोटा, अकलीती कोटा, और जो मुलाजमीन के वो रसा हैं उनको कितना कोटा दिया जाएगा, और जनरल कोटा में कितनी सीटें वापस रहती हैं। उसके बाद ये नीचे वो सारे स्कूल्स बता रहा है कि जहाँ जहाँ पे कौन कौन सी सीट अवेलेबल है। तो इन तमाम स्कूल्स को गाइज़ आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर और वीडियोस जॉब्स के रिलेटेड चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।